आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भारत में सैनिटेशन का कवर 35-40% के आसपास था। क्या आज भी हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि मैं देखिए चीजें का एक और कारण भी है, मुझे किताब पढ़कर के गरीबी सीखनी नहीं पड़ रही है। मुझे टीवी के पर्दे पर गरीबी का एहसास करना नहीं है, मैं उस जिंदगी को जी करके आया। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती है, मैं देख के आया हूं। और इसलिए मैं मन से मानता हूं राजनीति अपनी जगह पे है। मेरी समाज नीति कहो, मेरी राष्ट्र नीति कहो, मुझे कहती है कि इनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाऊं मैं। और तब जाकर के मैंने लाल किले से कहा कि हम 18,000 गांव जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इसका मतलब बाकी गांवों में पहुंची है, जिन्होंने पहुंचाई उनको 100-100 सलाम, लेकिन 70 साल के बाद 18,000 न पहुंचना, ये भी तो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए। और मैंने सरकारी दफ्तर से कहा, मैंने कहा कब करोगे भाई, तो किसी ने कहा साहब 7 साल लगेंगे। मैंने कहा मैं 7 साल इंतजार नहीं कर सकता। और मैंने लाल किले से घोषणा कर दी, मैं 1,000 दिन में काम पूरा करना चाहता हूं। कठिन काम था, दुर्गम इलाके थे, कहीं तो एक्सट्रीमिस्ट लोग, माओवादियों का इलाका था। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करीब करीब पूरा हुआ। अब शायद 150-200 गांव बाकी हैं, काम चल रहा है।